हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स के नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। वैसे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम नाइली के फाइटिंग सीन्स देखने वाले हैं। और मैं सोच रही थी, हमने पिछले कुछ वीडियोस में कोई एम नहीं रखे थे, तो इस वीडियो में एक छोटी सी एम रखते हैं। तो एम होगी 3.5K लाइक्स का और 100 कमेंट्स का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस एम को जल्दी ही कम्प्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि नाइली सीधे मुरोन को चैलेंज कर देता है, और मुरोन भी सोचता है कि वो नाइली को आसानी से हरा देगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। उसका जो उल्टा है, हमें ऐसा लग रहा था कि मुरोन नाइली के सामने कोई बच्चा है। और हम देखते हैं कि लास्ट में मुरोन अपने स्प्रिट फॉर्म में आ जाता है, और हमारा आज का एपिसोड इसी के आगे से स्टार्ट होता है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि नाइली मुरोन के स्प्रिट को देखता है और कहता है कि ये देखो, इस मुरोन ने अपनी असली स्ट्रेंथ अभी जाकर दिखाई है। और इतना कहकर नाइली अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि नाइली की तलवार जब बाहर आती है तो पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होने लगती है। और उसके तलवार की पावर ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स से आ रही है। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग ये बातें करते हैं कि क्या नाइली अपने इस वेपन से मुरोन को हरा सकता है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तलवार मिनिमम 7 लेवल ग्रेड का कोई ट्रेजर है। और उसे देखकर एक एल्डर भी कहते हैं कि वैसे तो ट्रेजर को पर्सनल स्ट्रेंथ में काउंट किया जा सकता है, लेकिन पिछली बार डोंगन अकेडमी के जो ट्रेजर थे वो वेस्ट कैंपस और हमसे दोनों से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और फिर एल्डर कहते हैं कि नाइली ऐसी सिचुएशन में आज से पहले नहीं फंसा है। और फिर हम देखते हैं कि मुरोन भी घमंड में कहता है कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे एक ट्रेजर से हरा दोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इतना कहकर मुरोन नाइली की तरफ बढ़ जाता है। और उसे देखकर बाकी लोग कहते हैं कि अगर वहाँ से नाइली नहीं जाता तो नाइली मर जाएगा। तभी हम देखते हैं कि नाइली अपनी जगह से नहीं हटता है और मुरोन नाइली को हिट करता है, और वहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। और हमें क्लियरली तो वहाँ पे अब कुछ विजिबल नहीं हो रहा होता है, और जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाइली को यहाँ पे अब कुछ होता नहीं है, वो उसी तरह वहीं पे खड़ा होता है। और ये देखकर मुरोन कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवाएं चलने लगती है, और नाइली अपनी तलवार को यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है और आसमान से लाइटनिंग को समन करता है, और एक बहुत ज़्यादा भयंकर लाइटनिंग अटैक रेडी करके उसे सीधे मुरोन पर गिरा देता है। और वो अटैक उस पर पड़ते ही मुरोन चिल्लाने लगता है और ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। और आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और इसके बाद नाइली कहता है कि ब्रदर मुरोन, तब बताइए आपको बिजली का झटका खाकर कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे लाइटनिंग के पावर का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और ये सुनकर मुरोन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो अपनी सारी पावर एक्यूमलेट यहाँ पे कर लेता है और नाइली के साइड हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि नाइली अपने आगे एक सिक्योरिटी शील्ड बना लेता है, जिससे कि लिटरली मुरोन का पूरा अटैक न्यूट्रल जा रहा था। और नाइली बिल्कुल पहले की तरह इस जगह पे खड़ा होता है। गाइस, इस फाइट की एक अच्छी बात यह है कि नाइली अभी तक इस जगह पे खड़ा होकर ही यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है, जहाँ पर खड़े होकर उसने लड़ाई स्टार्ट की थी। यानी कि नाइली ने अभी तक अपने पैरों को हिलाया तक नहीं था, इसीलिए आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाइली इस समय कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि लाख प्रयास के बाद भी मुरोन नाइली को छू तक नहीं पाता है, और एकदम पूरा यहाँ पे वो टायर्ड हो जाता है और वो वहाँ पे ट्राई करना भी बंद कर देता है। फिर नाइली फिर से अपना लाइटनिंग अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और मुरोन पर फिर से अटैक कर देता है। और इस बार के अटैक से मुरोन की हालत जो है ख़राब हो चुकी थी, और लोग भी बात करने वालों की ये मुरोन तो ज़्यादा लंबा क्यों खींच रहा है, उसे हार मान लेना चाहिए, नहीं तो वो मारा जा सकता है। और एल्डर भी कहते हैं कि इस समय नाइली ने 6 ग्रेड की मेटल आर्मर को पूरा सेट पहन के रखा है, और इसीलिए मुरोन इतना भी चाह कर ले, लेकिन वो नाइली का वहाँ पे अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बेचारा मुरोन, उसको तो इस बारे में वहाँ पे पता भी नहीं है कि वो नाइली को चोट क्यों नहीं पहुँचा पा रहा है। और इसी बीच नाइली बैक टू बैक लाइटनिंग अटैक उसके ऊपर कर रहा था, और मास्टर कहते हैं कि आफ्टर ऑल
सिक्स ग्रेड का जो सूट है वो बहुत ज़्यादा रेयर है और नाइली अपने स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके यूज़ कर रहा है और इक्वली मुरोन को नुकसान पहुँचा रहा है। तब दूसरे एल्डर कहते हैं कि ये शायद घोस्ट रन का रिवेंज, और हम देखते हैं कि लीजिंग भी मुरोन की इस हालत को देखकर कहता है कि तुम्हारे साथ सही हो रहा है। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं, एक रूफ पर लीन एक लड़के के साथ बैठा होता है और उस लड़के से कहता है, तो ब्रदर बेयान भी न्यू कॉमर्स का वॉर देखने में इंटरेस्टेड है। इस पर बेयान कहता है कि हाँ, मैं तो बस ऐसे टाइम पास करने आ गया था, लेकिन यहाँ देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने जीनियस लोग हैं और एक जीनियस तो मेरे सामने ही यहाँ पे फाइट कर रहा है, क्या शानदार है। और उसे देखकर लगता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पर लीन कहता है, लेकिन वो तो केवल अपनी वो ट्रेजर से लड़ रहा है और केवल तभी वो मुरोन को हरा पाएगा, क्या ब्रदर बेयान को ये बात भी इम्प्रेस कर रही है। इस पर बेयान कहता है कि एक छोटे से वर्ल्ड से आने वाला लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है और जो अभी तक ईस्ट कैंपस में भी नहीं है, उसके पास एक सिक्स ग्रेड का आर्मर है और यहाँ तक कि लॉर्ड तियानियो ने भी उसे अपने डिसिपल के रूप में स्वीकार कर लिया है, तब बताओ लीन, क्या वो इसके एबिलिटीज में काउंट नहीं होगा। फिर बेयान आगे कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि उसने पाई के साथ मिलकर एक फोर्स भी बनाई है जिन्होंने यहाँ पे कुछ ही महीनों में हजारों लोगों को रिक्रूट किया है, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बिग वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। ये सब सुनकर लीन अपने मन में सोचता है कि कोई नया व्यक्ति राइज हो रहा है और इस चीज़ से क्या इस बेयान को कोई मतलब नहीं है, और फिलहाल में मेरी सीट के लिए जो दो दावेदार हैं उनमें से एक ये बेयान है और एक लॉन्ग। लेकिन पाई जो कि अभी अभी गो फैमिली का फर्स्ट हायर बना है और दूसरी साइड उसका अलायंस लीजिंग के साथ है जिसका कि अपना एक अलायंस है, और लॉन्ग उसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, और ये सभी लोग उस नाइली के बहुत ज़्यादा पास हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मुरोन की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि उसका सारा कपड़ा उसके बॉडी से अलग हो जाता है और अब वो केवल अपने पेट में ही होता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और ये देखकर बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि 1.5 आर की लड़ाई में अभी जाकर मुरोन की हार हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि नाइली अपना तलवार वापस रख लेता है और मुरोन से कहता है कि मेरा काम हो गया और मुझे उम्मीद है कि आगे से तुम मेरा ध्यान रखोगे, और कम से कम ध्यान तो ज़रूर दोगे, और आदमी को कपड़े हमेशा पहनने चाहिए। और इतना कहकर नाइली एक वहाँ पे कपड़े का टुकड़ा उसकी बॉडी पर फेंक देता है क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो उसको बिना कपड़े के होने से प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर नाइली कहता है कि तुमने मेरे सोल स्केल चुराए थे जब मैं घोस्ट रन में था और आज मैंने उसका बदला लड़ाई के मैदान में ले लिया है, अब हम लोगों का बदला इक्वल हुआ। इतना कहकर नाइली पाई के पास चला जाता है और ये देखकर एल्डर कहते हैं कि लगता है हमें रूल्स को दोबारा से बनाने होंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि नाइली ईस्ट कैंपस में जल्दी ही नंबर वन बन जाएगा। और तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कहता है कि अभी बदला देते हैं, और हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो वुयान है जो कि यहाँ पर आया है, और वो कहता है कि लॉर्ड तियानियो ने ऑर्डर दिया है कि रूल्स को बदल दिया जाए। तब एल्डर कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, और फिर एक एल्डर अनाउंस करते हैं कि हम लोग इस कंपटीशन के रूल दोबारा से बनाएंगे और अब से कोई भी लेवल 3 या उससे ऊपर का जो यहाँ पे वो ट्रेजर है वो यूज़ यहाँ पे नहीं कर पाएगा। सभी स्टूडेंट यहाँ पे बोलते हैं कि रूल्स यहाँ पे चेंज हो गया है, शायद नाइली इस तरीके का यूज़ यहाँ पे वो करके जीता है। तभी तो मैं बोलूँ कि नाइली मुरोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो यान विंडो से बाहर की तरफ आता है और नाइली से देख लेता है, और नाइली जान जाता है कि ये सब जो है वो यहाँ पे वो किसने किया है। नाइली कहता है कि अभी केवल एक ही मैच हुआ है और कोई ट्रेजर यूज़ नहीं यहाँ पे वो कर पाएगा, मैं भी प्लान बना रहा था कि यहाँ के लोगों को अपने ट्रेजर की हेल्प से मज़ा मैं चखाऊंगा, लेकिन सारा मज़ा जो है बेकार हो गया। और तभी हम एल्डर को सुनते हैं जो कि कहते हैं कि लॉजिकली बोले तो नाइली ने अभी मुरोन को हरा दिया है, तो जो मुरोन की रैंकिंग थी अब वो रैंकिंग नाइली की हो चुकी है। लेकिन दूसरे एल्डर से डिस्कशन के बाद मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है, और इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि नाइली को अब कोई दूसरा असेसमेंट दिया जाएगा, और अगर नाइली उस असेसमेंट को पास कर लेता है तो तभी वो मुरोन की पोजीशन को ले पाएगा, और अपोनेंट कौन होगा इसका फैसला हम लोग लेंगे, और रूल्स सेम होंगे, 3 या उससे ऊपर का जो ट्रेजर है उसको यूज़ यहाँ पे वो नहीं किया जाएगा। फिर पाई अपने मन में सोचता है कि ये तो गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई नाइली को टारगेट यहाँ पे वो कर रहा है, और नाइली से कहता है कि नाइली हार मान लो। तब नाइली आलू से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस कॉम्पिटिशन को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, बहुत सारे एल्डर और लीडर इस समय मेरी तरफ से अटेंशन लगाकर बैठे हुए हैं,
और अगर मैं हार मान लूँ तो ऐसा प्रिंटेड होगा कि मैं केवल अपने ट्रेजर के दम पर ही आप मैं जीत पाया था। तब नाइली कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप दोनों एल्डर मेरे लिए कितने अपोनेंट अरेंज यहाँ पे आप लोग करने वाले हैं। तब एल्डर कहते हैं ज़्यादा नहीं केवल दो, और यही पे हमारा आज का एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।